Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you for joining me. And this video we are going to look at expectation of Abhishek and Manisha from each other. ठीक है ना, तो हम ये देखने वाले हैं. चलिए देखते हैं. Give me a sec. All right, मून का फेज कोई रिलेशनशिप में हो रहा है नहीं हो रहा है, बट मून के फेज ने God's got his angels, Archangel Michael, Spirit Gods and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the fans, dear angels. Thank you so much for your guidance. Deepest gratitude for your guidance. Thank you so much. Can we please know what are Manisha's expectation? Manisha's expectation from Abhishek. ये क्या है? ये वाला कार्ड तो शफल करते वक्त भी देखा है हमने. चलो यही निकाल लेते हैं. मनीषा का एक्सपेक्टेशन अभिषेक से क्या है? थ्री ऑफ कप्स लवर्स का भी कार्ड है. लवर्स का कार्ड थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है. मनीषा का एक्सपेक्टेशन अभिषेक से थ्री ऑफ कप्स है, यानी कि इट्स लाइक फन टाइम. हाँ, वो बातचीत करना चाहती है, हैंग आउट करना चाहती है अभिषेक के साथ. कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे. एक्चुअली शी ऑलवेज हैड दिस लाइकिंग फॉर दिस गाय. एब्सोल्युटली उसको तो पसंद ही था वो बंदा. उसका एक्सपेक्टेशन है अभिषेक से क्या? पेज ऑफ सोर्ड एंड रिवर्स, टू ऑफ सोर्ड एंड रिवर्स. ये मनीषा का एक्सपेक्टेशन इस तरह से क्यों आ रहा है इस वीक? मनीषा का एक्सपेक्टेशन एल्विश से भी, ये दोनों कार्ड रिवर्स में थे और ये पॉजिटिव था. इस बंदे से भी ये दोनों कार्ड रिवर्स में है, ये पॉजिटिव में है. एंड वो वाला कार्ड, वो रीडिंग करने में मुझे कितना टाइम लगा है. एज इफ कि शी इज नॉट, मैंने वो एक ओपन एनर्जी नहीं है. एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है, काफ़ी डेंस है. एज इफ की कन्फ्यूज एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि आई वॉज नॉट, आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड दैट. फिर भी मैंने पढ़ तो लिया ही. बट यहाँ पे भी सेम पैटर्न है. शी हैज एक्सपेक्टेशंस. क्या है ये दिस बंदी? वॉट इज आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गाय? टू ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि गेट सॉर्टेड एंड डिसाइडेड ऑन समथिंग. मैंने कि वो उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो किस तरह के लोगों के साथ हैंग आउट करता है उसके बारे में थोड़ा. ओके, एक एक्सपेक्टेशन तो बंदी का ये है कि वो जिनके साथ मिलना चाहता है ना, वो डिसाइड करे, कन्फ्यूज ना रहे. क्वाइट पॉसिबली जिया से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं या होंगी. आई एम जस्ट गिविंग यू अ आइडिया, आई डोंट नो, बट या. तो बंदी का एक्सपेक्टेशन बंदे से है कि किसी चीज़ में उसको सॉर्टेड होना चाहिए, कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए. स्पेशली द पीपल ही वॉन्ट्स टू हैंग आउट विथ, उसके बारे में कुछ डिसाइड कर लो, डिसाइड कर लो. क्यों ये सबके साथ हैंग आउट नहीं कर सकता है क्या? Why he has to decide on what kind of people he? Anyways, whatever it is. तो ये चाहती है कि first of all तो he should get sorted. इतना confused नहीं रहना है कि किसके साथ hang out आपको करना है. मैंने वो decide करने के लिए ऐसा उसको expectation है बंदे से. और ये चीज़ अगर वो दो criteria यहाँ पे उसने इसके लिए भी डाल रखा है कि first of all तो जिन लोगों के साथ हैंग आउट करते हो डिसाइड कर लोगे किसके साथ तुम रहना चाहते हो. एक चीज़ ये है.
और पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स के साथ, पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है ना, पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स इज कंफ्यूज्ड, कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता है, क्या है ये? मनीषा की एनर्जी इतनी कंफ्यूजिंग क्यों हो गई है? पहले तो ऐसा नहीं था। इट्स अ वेरी डेंस एनर्जी व्हाट आई एम पिकिंग अप। कैन वी हैव अ क्लैरिफायर फॉर दीज कार्ड्स, क्लैरिफायर फॉर दीज टू कार्ड्स? उसका एक्सपेक्टेशन अभिषेक से क्या है? टेन ऑफ कप्स है यहाँ पे, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है, और एक और टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये तो पहले भी आया हुआ था, इन मनीषा के रीडिंग में तो आया था। अब अभिषेक के साथ आया था कि नहीं आया था मुझे नहीं याद है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है। ये बंदी का एक्सपेक्टेशन इस बंदे से क्या है? ऑफ सोर्ड, वो अपने कप में पानी डाल रहे हैं सारे कप्स को, माने कि बेसिकली अपने ड्रीम्स को नर्चर कर रहे हैं वो। तो नाइन ऑफ कप्स फुलफिलमेंट है, उसका एक्सपेक्टेशन बंदे से क्या है? शी इज नॉट, उसका एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक्सपेक्टेशन है अभिषेक से मनीषा का? सक्सेस। ये बंदी तो इंटरेस्टेड रखती है। देखो इस बंदी का हमेशा से ही, आई थिंक शी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द गाय, ठीक है? और यहाँ पे भी है कि यस, आई मीन शी इज इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ गुड रिलेशनशिप। यहाँ पे इनफैक्ट टेन ऑफ कप्स है, और यहाँ पे ये भी है सोल पाथ, सरेंडर टू सोल्स पाथ, यानी कि ठीक है इसका अपना इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है, बट शी इज ऑल्सो फाइन विथ द वे लाइफ टेक्स कोर्स, जो कि पहले का भी उसका वही एटीट्यूड था। तो वो चीजें हैं, तो इसका एक्सपेक्टेशन बंदे से, पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड, ओके, उसका एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत क्लाउडेड है। शी इज नॉट वेरी क्लियर व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गाय, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स क्या है, उसको पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटी है, नई पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो शी इज वेरी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे देखो दोनों कार्ड्स आए हुए हैं, टेन ऑफ कप्स इस कार्ड के पहले वाला सीन ये है, बिफोर टैरो है ये, दिस इज द फाइनल सीन, दिस इज द सीन के पहले का पार्ट है। तो इसको ये एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ही क्लाउडेड है इस रिलेशनशिप को लेके, इसमें क्लैरिटी नहीं है इस बंदी को, या जो भी सिचुएशन है इन दोनों के बीच में, जो भी रिलेशनशिप है उसको, एंड ऑब्वियसली क्योंकि अभिषेक एंड जिया भी काफी लिंक होते हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हर टू हैव क्लैरिटी? तो उसे क्लैरिटी नहीं है कि हाउ इज दिस अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही वाला सीन चलता रहता है कि माने कि इफ एट ऑल दे गो टुगेदर ऑल्सो देर इज गोइंग टू बी सो मच थंडर स्टॉर्म, ये चीजें होंगी, हाउ इज इट दैट वी विल
ये सब थंडरस्टॉर्म, ये सब चैलेंज को पार करके यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूजन है कि इफ़ इट कैन गो टू सम ब्यूटीफुल कंक्लूजन, क्योंकि उसके दिमाग में यही रहता है। तो उसका कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हाउ इज़ इट, उसका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसको कन्फ्यूजन है कि हाउ इज़ इट इवन अ पॉसिबल। और एक चीज़ तो ये है उसका कि क्लैरिटी नहीं है उसे कि हाउ इज़ इट अ पॉसिबिलिटी, कि जैसे हाउ कैन दिस रिलेशनशिप हैपन, क्योंकि उसने हमेशा आई थिंक वो ऐसा देखा है। और दूसरा एक्सपेक्टेशन इसका क्या है, शी डेफिनेटली वॉन्ट्स टू यू नो हैंग आउट, अ लवर्स का भी कार्ड है, सो शी हैज़ ऑलवेज हैड सम फीलिंग्स फॉर द गाई। यहाँ पे भी है कि शी लाइक्स टू हैंग आउट एंड ऑल दैट, बट ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, शी इज़ नॉट एबल टू डिसाइड ऑन दिस। ओके, दो तरह का कन्फ्यूजन है, एक अपने ड्रीम्स को पाना, दूसरा इसके साथ हैंग आउट करना, इस तरह की एनर्जी लग रही है। एक्सपेक्टेशंस, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है मनीषा का, एक तो यही है, पर ये टू ऑफ सोड हमें क्या बोल रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन है सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, सो दो चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं। एक तो चीज़ है कि अगर अभिषेक के एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक हैप्पी डैपी रिलेशनशिप वो इमेजिन कर पा रही है, कि एक हैप्पीनेस है देख पा रही है, पर उसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ तक हो कैसे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी है, अगर ये +100 है तो ये -100 वाला सीन इसके दिमाग में चल रहा है। मैनिफेस्ट आप ये करना चाहते हो, पर आपका वाइब्रेशन इस तरह का है, तो हाउ विल शी मैनिफेस्ट, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि दिस विल हैपन, बिकॉज इफ इट ऑल समथिंग लाइक दैट हैपन्स तो बहुत ही तूफान आ जाएगा। दिस इज वन थिंग, ये सब सोशल मीडिया के कारण सोच रही होगी, आई डोंट नो। दूसरी चीज क्या है ना, कि शी वॉन्ट्स सम काइंड ऑफ क्लैरिटी, एंड अनदर इनसाइट दैट आई एम गेटिंग इज कि तुम उसी पौधे को पानी डालो जो तुम ग्रो करना चाहते हो, मैंने कि उसी रिलेशनशिप को, मैंने कि आप पानी डालिए, मैंने कि गेट सॉर्टेड कि आपको किसके साथ हैंग आउट करना है, कौन से रिलेशनशिप को आप नर्चर करना चाहते हो, पानी डालना चाहते हो ना, सो गेट सॉर्टेड, क्योंकि यहाँ पे ये सॉर्टेड होना चाहती है, उसका एक्सपेक्टेशन है प्रॉबेबली अभिषेक से दैट ही शुड गेट सॉर्टेड, क्योंकि यहाँ पे वो खुद बहुत कन्फ्यूज हो रही है, तो उसको अपने कन्फ्यूजन का सोल्यूशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तभी तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, सक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। ओके, दिस इज द गाइडेंस, ये उसका एक्सपेक्टेशन है। ट्रेजर चेस्ट भी बैक ऑफ द डेक में है। एनीवेज, उसको देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन अभिषेक से है इस बंदी का, क्या गाइडेंस आ रहा है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज है उस रिलेशनशिप को लेके, और कंफ्यूज से ज्यादा क्लैरिटी नहीं है उसको इस रिलेशनशिप की। हैव फेथ बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिविटी, मैंने जैसे बोला कि फादर हीलिंग का कुछ सीन है, आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, बट हो सकता है कुछ एंगल होगा, बट यहाँ पे भी इसको फेथ रखने बोला है। नाउ दिस इज सो इंटरेस्टिंग, अभिषेक एल्विश एंड मनीषा के रीडिंग में एल्विश को फेथ रखने के लिए बोला गया है, जबकि इसके रीडिंग में इस बंदी को फेथ रखने के लिए बोला गया है, तो ये क्या गोलमोल चीजें हैं। बट एनीवेज, सबका अपना रिलेशनशिप होगा, आप ही लगता है जबरदस्ती का सबके साथ सबका रिलेशनशिप करते हो कि क्या है, आई डोंट नो। सो दिस इज वॉट इट इज, उसको फेथ रखने के लिए बोला गया है, एंड यहाँ पे कुछ है, हैप्पीनेस भी सक्सेस भी है कुछ इस तरह का, तो वो चीजें हैं। दिस इज आर एक्सपेक्टेशंस, ओके, दिस इज आर एक्सपेक्टेशन। चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट इट इज।